जैसे मैं चाबी ऑन करूँगा, आप देख सकते हैं मैं चाबी ऑन कर चुका हूँ। यहाँ का जो चेक इंजन लाइट है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ का जो चेक इंजन लाइट है ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन ऑफ नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू जल रहा है। और कोई कोई जैसे हीरो होंडा बाइक हो गया और दूसरा कोई बाइक में क्या होता है, जैसे ये चाबी ऑन करोगे तो ये चेक इंजन लाइट कंटिन्यू जलता है, लेकिन बाइक को स्टार्ट करने से बंद हो जाता है। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिए स्टार्ट कर देता हूँ बाइक को, स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट हो गया, लेकिन ये जो चेक इंजन लाइट वाला नहीं जा रहा है, ऑफ नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं ऑफ नहीं हो रहा है। तो इसका अपडेट मांग रहा है, तो क्या एरर आया है, कौन सा सेंसर का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए वीडियो को एंड तक, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, देख पा रहे होंगे दोस्तों ये नहीं जा रहा है। और यहाँ पे देखिए टोटल दे रहा हूँ फिर भी नहीं काम कर रहा है। और एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ऑफ कर दिया हूँ, जैसे ऑन हो गया आप देख सकते हैं, ऑन हुआ उसके बाद ये कंटिन्यू जल रहा है, लेकिन कंटिन्यू ब्लिंक नहीं करना चाहिए ये चेक इंजन लाइट। कुछ भी फॉल्ट रहने से बाइक के अंदर ये दिखाता है, जो कि कोई सेंसर नहीं काम करेगा तो आपका ये चेक इंजन लाइट कंटिन्यू जलेगा दोस्तों। या चूहे वगैरह जो है कहीं पे वायर कट कर दिया है चूहे, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे दिखाएगा, कोई सेंसर का वायर कट हो गया, चूहा कट कर दिया, तभी यहाँ पे दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू दिखा रहा है, और मैं जैसे बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए स्टार्ट हो चुका है, बाइक स्टार्ट भी हो गया लेकिन ये ऑफ नहीं हो रहा है। तो कोई एक सेंसर नहीं काम कर रहा है, तो देखना पड़ेगा कौन सा सेंसर नहीं काम कर रहा है, क्या है, मैं आप लोग को चेक करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले ऑफ करते हैं बाइक को, आप देख सकते हैं मैं बाइक को ऑफ कर चुका हूँ। उसके बाद इसका कनेक्टर यहाँ पे है, सीट के नीचे है, तो सीट मुझे निकलना पड़ेगा, यहाँ पे है, देखिए ओपन हो चुका है। और यहाँ पे एक कपलर है इसका, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे कनेक्टर है, यहाँ पे दो कनेक्टर है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये वाला एक कनेक्टर है जो ब्लैक कलर में है, इस पर आपको नहीं लगाना है, स्कैन नहीं करना है, ओबीडी स्कैनर नहीं लगाना है इस पर। और एक है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये रेड वाला आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड वाला है, यहाँ पे थ्री वायर होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे थ्री वायर है दोस्तों। निकाल के इसका कैप निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों ये है, और यहाँ पे कैप लगा हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा, ऐसे खींचो, देखिए निकल गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्री वायर रहता है इसका, थ्री वायर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कनेक्टर लगाना है मुझे, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं ओबीडी स्कैन स्कैनर लगा के यहाँ पे। ये मेरे पास ओबीडी स्कैनर है, आप देख सकते हैं ये ओबीडी स्कैनर है, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे कौन कौन सा बाइक में काम करेगा इस ये केबल में आपको दिखा देता हूँ, देखिए होंडा का, सुजुकी, यामा का, इसमें काम करेगा, इसमें तीनों पिन आप देख सकते हैं, इसमें तीनों वायर लगा हुआ है इसमें। ठीक है दोस्त, तो ये वाला है कनेक्टर जो है आपको दिख रहा होगा, ये वाला कनेक्टर है, ये ओबीडी स्कैनर है। और मोबाइल का एप्लीकेशन जो टॉर्क प्रो एप्लीकेशन, उसमें मैं इसको दिखाऊंगा आपको अपडेट करके। तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं दोस्तों, ये कनेक्ट हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, चाबी आप देख सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर बल्ब जलना चालू हो जाएगा दोस्तों, बल्ब यहाँ पर ब्लिंक करेगा, आपको दिख रहा होगा रेड वाला ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर, जैसे कनेक्ट होगा तीनों लाइट ब्लिंकिंग करेगा यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ, कनेक्ट हो चुका है, लेकिन मोबाइल के साथ डिवाइस कनेक्ट नहीं हुआ है, वो टर्क प्रो एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होगा दोस्तों, वो कनेक्ट नहीं हुआ है, वो भी कनेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। वो दिख रहा होगा डिवाइस लग चुका है, देखिए लगा हुआ है डिवाइस, और यहाँ पर मेरा मोबाइल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैं रखा हूँ, और यहाँ पर टर्क प्रो एप्लीकेशन है, आपको दिखा देता हूँ, देखिए टर्क प्रो है ये, टर्क लाइट नहीं काम करता है दोस्तों डिवाइस के साथ, टर्क प्रो काम करता है। तो यहाँ पे लग चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए लगा हुआ है लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ है डिवाइस के साथ, सहायता भाई मोबाइल के साथ डिवाइस कनेक्ट नहीं हुआ है, अब दिख रहा होगा ये चाबी ऑन करने से यहाँ पे कनेक्ट होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जल रहा है रेड कलर का, और यहाँ पे ब्लूटूथ भी ऑन है लेकिन डिवाइस कनेक्ट नहीं हुआ है इसके साथ। मैं जैसे चाबी ऑन करूँगा, देखिए चाबी ऑन हो गया, आपको दिख रहा होगा चेक इंजन लाइट भी कंटिन्यू जल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए कंटिन्यू जल रहा है ये। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, अभी देखिए कनेक्ट नहीं हुआ है अभी तक, आपको दिख रहा होगा कनेक्ट नहीं हुआ है, देखिए जैसे मैं ये टर्क प्रो एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा टच करूँगा, ऐसे आएगा देखिए, उसके बाद एक ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। पहली बार आप कनेक्ट करोगे तो इसमें पासवर्ड मांगेगा, जैसे कि 1234 पासवर्ड दे देने से हो जाएगा पेयरिंग करने के लिए। तो देखिए अभी ब्लिंक कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ब्लिंक कर रहा है, अभी कनेक्ट हो चुका है इसके साथ।
ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। देखिए मेरा पहले से ही कनेक्ट है इसलिए नहीं क्या ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, मैं पहले से ही कर चुका हूँ कोई अलग बाइक में भी। तो डिवाइस कनेक्ट हो चुका है मेरा मोबाइल के साथ, आपको दिख रहा होगा। और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों, फॉल्ट कोड आपको दिख रहा होगा। देखिए फॉल्ट कोड, इसको टच करना है ऐसे, जैसे ही आप टच करोगे तो ऐसे कुछ आएगा, उसके बाद आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा यहाँ पे, टच करना है, उसके बाद रिफ्रेश मारना है आपको। देखिए पहले रिफ्रेश करना है आपको, देखिए मैं रिफ्रेश किया हूँ, यहाँ पे 100 तक काउंट होगा, 11 हो गया आपको दिख रहा होगा, देखिए 20 हो गया अभी, 25। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है दिखाएगा दोस्तों, कौन सा सेंसर नहीं काम करेगा नहीं कर रहा है वो दिखाएगा। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 55-56 हो चुका है, और यहाँ पे चाबी ऑन है आपको दिख रहा होगा, देखिए चाबी ऑन है सब कुछ, देखिए दो सेंसर का करंट फॉल दिखा रहा है। देखिए टोटल पैडल पोजीशन सेंसर स्विच ए सर्किट हाई इनपुट लिखा हुआ है, और सेंसर सर्किट हाई वोल्टेज ब्लिंक वन सेंसर वन लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा। और ऐसे करके टोटल 5 सेंसर का प्रॉब्लम आया है, लेकिन अभी करंट फॉल्ट जो आया है आपको दिख रहा होगा, करंट फॉल्ट वाला यहाँ पे जो करंट फॉल्ट है अभी 2 सेंसर का दिखा रहा है। ये यहाँ पे जो कंटिन्यू जल रहा चेक इंजन लाइट, इसको किस तरह से हटाना है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे करना है, 3 डॉट पे टच करना है, उसके बाद क्लियर फॉल्ट ऑन इश्यू जो दिख रहा है आपको ऊपर ऑप्शन, उसको टच करना है, उसके बाद कैंसल ओके आएगा दोस्तों, ओके दबा देना है। जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे रीडिंग आएगा 100 तक, उसके बाद यहाँ पे चला गया दोस्तों, अभी तो 100 तक नहीं हुआ है, ऑटोमेटिकली चला गया आपको दिख रहा होगा। देखिए 78 हुआ है, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो चेक इंजन लाइट दिखा रहा था ये चला गया दोस्तों, वहाँ पे हट गया है, ऑटोमेटिकली हट चुका है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहाँ का जो एरर आ रहा था वो चला गया। फिर से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए रिफ्रेश करके मैं चेक कर रहा हूँ आ रहा है कि नहीं, चेक करता हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे नहीं है, चेक इंजन लाइट नहीं जल रहा है, वो हट चुका है। फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ रिफ्रेश करके और एक बार, ये आ रहा है कि नहीं देखते हैं, 58-72। हाँ देखिए 90-100 हो चुका है, कोई फॉल्ट नहीं दिखा है इसमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है आपको दिख रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आ रहा है, जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो चुका है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, देखिए स्टार्ट भी हो चुका है, और यहाँ पे मैं पिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों मैं चाबी ऑन कर चुका हूँ। यहाँ पे जो चेक इंजन लाइट कंटिन्यू जल रहा था, देखिए अभी ऑफ हो गया है, आप देख सकते हैं ऑफ हो चुका है। फिर से अब करता हूँ, फिर से चाबी ऑन करता हूँ, देखिए ऑन हो गया, एक बार ऐसे ब्लिंक करेगा उसके बाद ऑफ हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑफ हो गया, पहले कंटिन्यू जल रहा था अभी ऑफ हो चुका है, पहले क्या हो रहा था ये कंटिन्यू जल रहा था, अभी ऑफ हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करके, देखिए स्टार्ट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा कोई भी एरर नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।